नमस्कार दोस्तों, पांचवें ऐसे डूबे मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब एमिटी मदनलाल क्रिकेट एकेडमी रुद्रपुर उत्तराखंड ने अपने नाम किया। इस टीम ने सोनेट क्रिकेट क्लब दिल्ली को 22 रनों से हराया। मदनलाल एकेडमी के यशवर्धन दलाल मैन ऑफ द मैच चुने गए। उन्होंने टीम के लिए बहुमूल्य 4 विकेट झटके। मदनलाल एकेडमी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 135 रन बनाए। टीम के अभिनव शर्मा ने 35 और साहिल ने 24 रनों की पारी खेली। सोनेट क्रिकेट क्लब के आदित्य भंडारी ने उम्दा गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट अपनी झोली में डाले। इनकी बेहतर गेंदबाजी से ही मदनलाल एकेडमी को 135 रन पर रोका जा सका, नहीं तो मदनलाल की टीम 150 रनों से अधिक का स्कोर करती। शांतनु यादव ने 2 विकेट झटके। लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली के सोनेट क्लब 113 रन ही बना पाया। आकाश यादव ने 36 और चिराग नेगी ने 15 रन बनाए। इन दोनों बल्लेबाजों को छोड़कर कोई अन्य बल्लेबाज पिच पर ज्यादा देर नहीं टिक पाया। मदनलाल एकेडमी के यशवर्धन दलाल ने 18 रन देकर 4 बल्लेबाजों को पेविलियन का रास्ता दिखाया। इस गेंदबाज ने कसी हुई गेंदबाजी करते हुए सोनेट को लक्ष्य से 22 रन पहले रोक दिया। अभिजीत गंगवार ने 2 विकेट अपने नाम किए। मदनलाल एकेडमी की टीम ने 22 रनों से जीत दर्ज कर फाइनल अपने नाम किया। गुलमोहर एकेडमी लखनऊ के आदित्य प्रियदर्शी बेस्ट बॉलर चुने गए। सोनेट क्रिकेट क्लब के आकाश मल्होत्रा बेस्ट बैट्समैन बने। मैन ऑफ द सीरीज का तमगा मदनलाल एकेडमी के साहिल को मिला। वंडर्स क्लब नोएडा के अक्षय दुबे को बेस्ट फील्डर का अवार्ड मिला। सेम स्पोर्ट्स के आर्यन बेस्ट विकेट कीपर बने। अतिथि के रूप में दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के लीग कमेटी के कन्वीनर अनिल पासी, चेयरमैन अहमद तमीम मौजूद रहे। प्राधिकरण के परियोजना अभियंता SC मिश्रा विशिष्ट अतिथि के तौर पर रहे। इनके अलावा DDCA के राजीव मल्होत्रा, एस सिंह, नरेंद्र शर्मा, भूपेश, मनोज शर्मा, सुभाष मिश्रा आदि मौजूद रहे। आयोजक मंडल के प्रमुख राजेश दुबे ने बताया कि खिलाड़ियों ने उम्दा प्रदर्शन कर अपनी प्रतिभा प्रदर्शित की। मई में एक और प्रतियोगिता के आयोजन की तैयारी चल रही है और जल्द ही हम अगली प्रतियोगिता का ऐलान करेंगे। सर, आज आप यहाँ हैं, कैसा लग रहा है बच्चों को देख के और कैसा टूर्नामेंट देखने को लग रहा है? ये अंडर 14 का टूर्नामेंट है जो बहुत अच्छा इनका प्रयास है। अंडर 14 के टूर्नामेंट हम मैक्सिमम करने चाहिए, यहीं से ग्रास रूट लेवल से ही क्रिकेटर निकलेंगे। तो आई लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट दुबे साहब जिन्होंने ये प्रयास किया। अच्छा सर, आप DDCA के पैनल से हैं और मैं DDCA की जो लीग एंड टूर्नामेंट कमेटी है उसका चेयरमैन हूँ जी। तो आप क्या लगता है कि इस तरीके के बच्चों को ऐसे कितने प्लेटफॉर्म आप लोगों की तरफ से भी मिलते रहते हैं? हमारी तरफ से मिलते हैं, लेकिन ऐसे टूर्नामेंट में ऑर्गेनाइजर्स को चाहिए कि DDCA के सेलेक्टर्स को इनवाइट करें, जिससे कि कोई अगर प्रतिभाशाली बच्चा आए तो उसको आगे चांस मिलेगा। स्टेट में प्रेस कवरेज वगैरह होती है, इन बच्चों से प्रोत्साहन मिलता है। हम भी करते रहते हैं, हमारे कैंप्स लगते हैं और टूर्नामेंट्स होते हैं। आप लोग यहाँ आए हैं तो आप लोगों को क्या लग रहा है कि बच्चा ऐसा है जिसे आप लोग आगे तक प्रमोट कर सकते हैं? नहीं, इसमें कई टैलेंटेड बच्चे नज़र आ रहे हैं मुझे। तो सोनेट तो है ही अच्छी टीम, उसके कई बच्चे खेलते हैं, लेकिन यहाँ से सेलेक्टर्स को देखना चाहिए तभी टूर्नामेंट का फायदा। अभी UP में आता है इसलिए शायद दिल्ली वाले ना आए, तो UP वालों को देखना चाहिए आके ये एफिलिएट कराएं टूर्नामेंट UPCA से और फिर सेलेक्टर्स को इनवाइट करें, तभी फ़ायदा तो बच्चों को काफ़ी फायदा। हाँ, और सभी बच्चों के लिए क्या आप एक मैसेज देना चाहेंगे जो आज यहाँ खेल रहे हैं? नहीं, मैसेज तो यही देना चाहते हैं कि भैया क्रिकेट को 5 डे के हिसाब से खेलो, T20 बाद में आती है। बिल्कुल, ये अगर 30 की जगह 40 ओवर का होता तो बेटर रहता। तो मैक्सिमम ओवर अगर है ले वो तो और भी बेटर हो सकता। हाँ, अब असल में डेज क्रिकेट ख़त्म होती जा रही है, हर कोई T20 और इसमें जा रहा है, लेकिन असल क्रिकेट तो हमारी डेज ही की है। सर, जिस तरह से आज जो है लास्ट है, फाइनल है आज मैच, इसमें से बहुत सारे प्रतिभागी बच्चे चुने हुए, उसके लिए सर क्या कहना चाहते हैं और कैसे होगा DDCA? भाई, उनके इनके परफॉर्मेंस लेके DDCA में जो सिलेक्शन कमेटी है उसको भेजना चाहिए कि भाई ऐसे ऐसे टूर्नामेंट हुआ और ये 4-5 मैच खेला है बच्चा, इसने इतने रन बनाए हैं, तो उसको ट्रायल के लिए कंसीडर किए जाए। वेल, पवन, आई थिंक सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा स्पोर्ट्स हेल्पलाइन को कि आप लोग छोटी उम्र में बड़े काम कर रहे हैं और स्पोर्ट्स के लिए काम कर रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। बच्चों का जेन्युइन टूर्नामेंट है, इसलिए RED FM भी इसमें थोड़ी सी शिरकत कर रहा है और मेरे हिसाब से बहुत अच्छा टूर्नामेंट है। और जिस तरह से जेन्युइन बच्चे अगर खेलेंगे
तो ये क्रिकेट के फ्यूचर के लिए और इन बच्चों के फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं जिस तरह से पेरेंट्स यहाँ पे आए हैं, बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं, तो ओवरऑल आई थिंक दुबे साहब को भी बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है जिन्होंने ये अंडर 14 एस एन दुबे मेमोरियल टूर्नामेंट कराया। तो आई थिंक ओवरऑल इट्स अ वेरी वेरी गुड अरेंजमेंट एंड वेरी गुड इनिशिएटिव। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इस तरीके के टूर्नामेंट से बच्चों को कितना मनोबल बढ़ेगा, साथ ही साथ जो यहाँ सभी लोग देखने आए हैं, इतनी अच्छी ऑडियंस आई है, उनसे इन बच्चों को कितना कुछ सीखने को मिलेगा? देखिए, जो क्रिकेटर होता है उसको जब वो ग्राउंड में चला जाता है तो उसके बाद उसको किसी चीज़ से मतलब नहीं रहता, उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ रहती है, क्रिकेट, और उसके प्रति उसका जो लगाव, उसका जो प्रेम होता है वही उसको जुझारू बनाता है, वही उसको प्लेयर बनाता है। और अगर पेरेंट भी उसमें आपके साथ हो जाएँ तो वो सोने पे सुहागा जैसा काम करता है। तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छा इनिशिएटिव है और यहाँ से ज़रूर हमें कुछ ना कुछ अच्छे टैलेंट मिलेंगे। आज हमने सुबह राहुल जिस तरह से विकेट कीपिंग कर रहे थे, वो बहुत ही बढ़िया क्रिकेटर है राहुल, और जब मैंने, अगर आप देखेंगे तो कमेंट्री में भी बोला था कि ऋषभ पंत के ग्लव्स उन्होंने लिए हैं और उसी से कीपिंग कर रहे थे, और तमाम अच्छे लड़के मुझे यहाँ देखने को मिले। तो मेरे हिसाब से आने वाले समय में कुछ क्रिकेटर्स यहाँ से ज़रूर निकलेंगे। अच्छा सर, आप सुबह से कमेंट्री कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि कैसे बच्चों के लिए एनर्जेटिक कितना है ये टूर्नामेंट, और साथ ही साथ आप कमेंट्री में क्या देख पा रहे हैं कि कैसे स्ट्रेटजी बच्चों की जा रही है? देखिए, बच्चे जैसा कि मैंने बताया कि आज देखिए क्रिकेट जो कि उलटफेर वाला गेम है, मदनलाल क्रिकेट एकेडमी जिन्होंने सुबह टॉस जीता, ये वही टीम है जिन्होंने इस टूर्नामेंट में 275 रन बनाए 30 ओवर्स में बगैर किसी विकेट के खोए, वही टीम आज सिर्फ 136 रन बना पाई 30 ओवर्स में, और अब काफ़ी बड़ा मनोवैज्ञानिक दबाव है, जीतेगी या हारेगी, हारेगी या जीतेगी। तो मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया अरेंजमेंट है, और इस जो इस तरह के टूर्नामेंट्स होते हैं ये बच्चों को बहुत सिखाते हैं, क्योंकि आप 2020 के इस माहौल में अगर आप 30 ओवर्स का गेम करते हैं, 40 ओवर्स का गेम करते हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चों की फिटनेस, उनका स्ट्रैटेजी, उनका मनोबल तो निश्चित रूप से बढ़ेगा ही। रेड एफएम की टीम की तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे सभी बच्चों को और ऑर्गेनाइजर्स के लिए? रेड एफएम अगर आप सुनेंगे तो हमारा एक ऐसा चैनल है जो कि स्पोर्ट्स में भी आता है, और हमारी जो टैगलाइन है बजाते रहो। कुछ खास कह नहीं सकते कौन कितनी टीम में है, कौन खेल रहा है, कौन अच्छा खेल रहा है, लेकिन बड़ी अच्छी एक बात है कि इन्होंने छोटे छोटे बच्चों को एक मौका दिया है खेलने का, एक प्लेटफॉर्म दिया है। ऐसे ना जैसे कहते हैं कि लोअर लेवल से बच्चे, इनमें बहुत सारी टीम्स के ऐसे हैं जिनको कोई मौका नहीं मिलता खेलने का, उनकी प्रतिभा को अगर निखारने की कोई बात है तो रेड बॉलिंग इज फिफ्थ ओवर बात है, तो राजीव जी ने जो दवे आर एम फादर इज एनकरेजिंग हिम, उनको एक मौका दिया है, ही इज बीन गाइडिंग हिम ऑल दिस व्हाइल, उनको एक मौका मिले। और जो इनमें से ब्रिलियंट प्लेयर होंगे जिनका, जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, मैं चाहूंगा कि भविष्य में उनको और अच्छा मौका मिले। अनदर गुड लुकिंग डिलीवरी दिस टाइम, फर्स्ट ओवर 14 अंडर 19 है विद द आर्म, ऑब्वियसली मिलेगा उनको चांस सर नए साल में, प्रोवाइडिंग नो रूम टू द बैट्समैन टू गो फॉर स्ट्रोक प्ले, बच्चे जो है वेरी इंटेलिजेंट बॉलर आर हिम, इन्वॉल्व क्या संदेश देना चाह रहे हैं? मैं सुन नहीं पाया, श्योर। एंड दिस टाइम अ शॉर्ट पिच, पुलिंग इट अवे, इस साल में क्या संदेश टू द लॉन्ग रन फैंस, वन मोर रन टू द टैली, यही देना चाहूंगा कि क्रिकेट जैसा एक इंडिया का एक ऐसा गेम है, इसमें इतना कंपटीशन है, तो अपने मन से खेलें और थोड़ी मेहनत करें।